हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गुरुवार के शुभ योग में आ रही मोहिनी एकादशी व्रत तिथि पूजा विधि और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले महा उपाय के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखकर उनके मोहिनी स्वरूप की पूजा का विधान है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। यह तिथि श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। मोहिनी एकादशी व्रत सभी मनोरथ सिद्ध करने वाला और जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 12 मई गुरुवार के शुभ योग में रखा जाएगा। ज्योतिष अनुसार यदि आप यह व्रत ना भी कर पाए तो इस दिन कुछ उपाय अगर आप कर लेते हैं तो श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। इस दिन के उपाय धन धान्य आरोग्य और सौभाग्य में वृद्धि कराते हैं। आइए जान लेते हैं मोहिनी एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में। मोहिनी एकादशी व्रत तिथि होगी 12 मई 2022 दिन गुरुवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 मई शाम 7:31 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 12 मई शाम 6:51 पर। एकादशी के पारण का समय होगा 13 मई सुबह 5:32 से 8:14। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय होगा 13 मई शाम 5:27। आइए जान लेते हैं मोहिनी एकादशी विधि के बारे में। प्रत्येक एकादशी की तरह इस एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी से ही शुरू करना चाहिए। व्रती को दशमी तिथि के दिन सात्विक आहार लेना चाहिए और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अगले दिन एकादशी पर सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ देकर व्रत का संकल्प लें। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन घर के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करें। पूजा में दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन भगवान विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप का ध्यान करें। विष्णु प्रतिमा को चंदन का तिलक कर पुष्प धूप दीप तुलसी पत्र व केले का भोग अर्पित करें। पूजा में तुलसी जरूर चढ़ाएं क्योंकि मान्यता है कि बिना तुलसी के विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें और फिर भगवान विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की आरती करें। दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर सुबह विधि पूर्वक विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें और पारण मुहूर्त में ही व्रत का पारण करें। आइए जान लेते हैं मोहिनी एकादशी पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। इस साल बैसाख मास की मोहिनी एकादशी गुरुवार और रवि योग के शुभ योग में आई है, इसलिए एकादशी की सुबह स्नान के बाद पहले सूर्य देव को जल चढ़ाने के लोटे में यदि आप लाल पुष्प रोली और 21 दाने साबुत अक्षत के डालकर अर्घ देते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और श्री हरि माँ लक्ष्मी और सूर्य देव की कृपा से आपको धन यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ ही इस उपाय का फल कई जन्मों तक आपको प्राप्त होता है, परंतु इस उपाय को करते समय ध्यान रखें कि चावल के दाने साबुत होने चाहिए। खंडित या अपूर्ण चावल पूजा में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। जय श्री हरि।